नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में ग्रेट हेल्प फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आपका क्या आपका भी फ़ोन चार्ज में लगाने पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और एक बात बता दें, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब में जैसे जाते हैं वैसे जाना है, और आप वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा आप कैसे अपने फ़ोन की ये गर्म होने वाली समस्या को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने जैसे कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रेट हेल्प फॉर यू के आगे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, आप उसे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आने वाले आपकी वीडियो और भी ज़्यादा हेल्पफुल लाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोन गर्म होता क्यों है आखिर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वीडियो देख रहा हूँ, मान लीजिए ये वीडियो में कोई सा ये वीडियो देख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बीच से क्लिक कट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए मैं गैलरी या फिर फ़ोन या कुछ भी हम चला रहे हैं, और यहाँ पे अब मेरी फ़ोन की बैटरी यहाँ पे 60% है और आपके हैं 15%, आप तुरंत चार्ज में लगा देंगे। आपको ऐसे नहीं करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले बैकग्राउंड का ये जितना भी ये डाटा है ये सारे आपको एक एक करके टोटल क्लीन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक और बात, जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, मान लीजिए कोई गेम, मान लीजिए ये गेम हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, यहाँ से ये इंस्टॉल हम कर लिए अपने फ़ोन में, थोड़ा सा खेले हमें पसंद नहीं आया, हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिलीट करने के बाद होता ये है कि उसका एक डेटा जो है वो डेटा फाइल बन जाता है, जो कि वो भी बैटरी चलता ही रहता है। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने फ़ोन के डिवाइस में क्लिक करना है, और यहाँ पे उस नाम के जो भी ऐप्स आपने डिलीट किए उस नाम के फोल्डर को आपको सीधी डिलीट कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, डिलीट कर देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ ख़ास बातें, जो फ़ोन गर्म होने की क्या बात है। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर उसको, तो एकदम आपको क्लीन कर ही देना है, और तो चार्ज में लगाने से पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देनी है। और अगर आपके पास ये सैमसंग का स्मार्टफोन है तो उसके लिए आपको स्मार्ट मैनेजर एप्लीकेशन होगा ही, यहाँ ऑप्टिमाइज पे क्लिक करके टोटल एक ही बार में क्लियर भी कर सकते हैं, और यहाँ बैकग्राउंड से तो आपको ज़रूर करनी है। उम्मीद है दोस्तों ये आप रूल्स फॉलो करेंगे, आपकी फ़ोन की बैटरी गर्म नहीं होगी। अगर इससे भी आपका फ़ोन नहीं ठीक हो रहा तो आपको नज़दीकी केयर में संपर्क करिए, वहाँ पर ज़रूर आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो